प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2/3 रेज टू पावर एक्स इंटू 3/2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 81/60। इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ इस पार्ट को पहले नोट कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद 2 रेज टू पावर x एंड 3 रेज टू पावर, क्योंकि ये पावर दोनों पे आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे आएगा, तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर x अपॉन 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 2x अपॉन 2 रेज टू पावर 2x। ये प्रोडक्ट में है, इंटू का साइन है, इज इक्वल टू 81/60। अब यहां पे एक बात का ध्यान देंगे, ये 3 रेज टू पावर x डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो और 2 रेज टू पावर x न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर -x। ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो -x हो जाएगा पावर में, अपॉन 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू -x इज इक्वल टू 81 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 4 एंड 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 4। यहां पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर नेगेटिव होगा। तो अब ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस साइन लगा है तो एज इट इज साइन के साथ लिख देंगे, 2x-x हो जाएगा अपॉन 2 रेज टू पावर 2x-x इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर 4। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों पे पावर सेम है तो इसको हम 3/2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। दिस गिव्स आंसर, समझ में आने लगा होगा कि क्या आ सकता है। 3 रेज टू पावर 2x-x ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर x अपॉन 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर 4। दिस गिव्स 3/2 रेज टू पावर x, इस पार्ट को भी दोनों पे पावर x है हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर 4। दोनों साइड के बेस सेम हो गए तो पावर कंपेयर कर लेंगे, x इज इक्वल टू 4। वीडियो पास करके सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।